और जड़ से रहते अचेतन मात्र है, सो आत्म स्वरूप कहता है। उस तत्व में फिरकर जो जीवों की अवस्था हुई है वो सुनो। हे रामचंद्र, पहला बीज जागृत है, दूसरा जागृत, तीसरा महाजागृत, चौथा जागृत स्वप्न, पांचवा स्वप्न, छठा सुस्पन जागृत और सातवीं सुसुप्ति, ये सात प्रकार के मोह की अवस्थाएं। इनके अंतर्गत और भी अनेक अवस्थाएं पर मुख्य ये सात ही हैं। अब इनके लक्षण सुनो। हे राम जी, आज जो शुद्ध चिन्मात्र अशब्द पद तत्व से चेतनता का अहम है, उनका भविष्यत नाम जीव होता है। आज वे सर्व पदार्थों का बीज रूप है और उसी का नाम बीज जागृत है। उसके अंतर जो अहम और यह मेरा इत्यादि प्रीति दृढ़ हो और जन्मांतरों में भासे, उसका नाम जागृत है। यह है मैं हूँ इत्यादि शब्दों से तन्मय होना और जन्मांतर में बैठे हुए जो मन फुरता है, मनोराज में वो फुरना दृढ़ वासना जागृत स्वप्न कहता है। और दूसरा चंद्रमा सीपी में रूपा मृग तृष्णा का जय इत्यादि विपर्य वासना भी जागृत स्वप्न है। निद्रा में जब मन फुरने लगता है और उससे नाना पदार्थ वासने लगते हैं, तो जब जाग उठता है तब कहता है कि मैंने अल्पकाल में अनेक पदार्थ देखे और निद्रा काल में जो पदार्थ देखे थे उनको असत्य रूप जागृत में जानने लगता है। उस निद्रा काल में मन के फुरने का नाम स्वप्न है, स्वप्नाव है, और उसमें यह दृढ़ प्रतीति हो जावे कि दीर्घ काल बीत गया, इसका नाम महाजागृत है। और महाजागृत में अपना बड़ा बपू देखा और उसमें अहम भाव दृढ़ हुआ और आपको सत्य जानकर जन्म मरण आदि देखे दे रहे अथवा ना रहे, उनका नाम स्वप्न जागृत है। वह सपना महाजागृत रूप को प्राप्त होता है। इन छह अवस्थाओं का जहाँ अभाव हो और जड़ रूप हो उसका नाम सुसुप्ति है। उस अवस्था में घास पत्थर वृक्ष आदि स्थित हैं। हे राम जी, यह अज्ञान की सप्त भूमिका कहीं उसमें एक एक में अवस्था भेद है। हे रामचंद्र, स्वप्न चिरकाल से जागृत रूप हो जाता है, उसके अंतर्गत और स्वप्न जागृत है और उसके अंतर और है। इस प्रकार एक एक के अंतर अनेक है, यह मोह की घनता है और उसमें जीव भ्रमते हैं। जैसे जल नीचे से नीचे चला जाता है तैसे जीव मोह के अंतर मोह पाते हैं। हे राम जी, ये तुम्हारे अज्ञान की अवस्था कही जिसमें नाना प्रकार के मोह और भ्रम विकार हैं, इनसे तुम विचार कर मुक्त हो तब तुम महात्मा पुरुष और आत्म विचार करके निर्मल बोधवान होगे और तभी उस इस भ्रम से तर जाओगे। इति श्री योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरणे अज्ञान भूमिका वर्णन नाम जय नवतीतमा सर्ग। हरिओम। शांति शांति शांति। बोली सुनो धंधर में की जय। सरस्वामी राम महाराज की जय। सस्वामी स्वामी सर्वानंद जी महाराज की जय। सरस्वामी शांति दुर्गा जी महाराज की जय। सरस्वामीदास राम महाराज की जय। शिरदीव भगवान की जय। निशोधनानंद दराग देशम ज्ञानीक सूर्यम जगदीक वंद्यम अध्यातम लीनम निवेदकामम श्रीयो रामम शरणम ब्रवदे श्रीयो रामम।
मां शरणं व्रजन्ति सर्वानन्दनाधारं सर्वानन्दविकासकं सर्वानन्दविदारं च सर्वानन्दं नमामिहं सर्वानन्दं नमामिहं श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा वो तो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा वो तो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा श्री कृष्ण प्यारे ओ बिज की बसैया 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 करो पार मजदार में मेरी नैया करो पार मजदार में मेरी नैया श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा वो तो चुकी है तो बिगड़ी बना जा वो तो चुकी है तो बिगड़ी बना जा श्री कृष्ण प्यारे ओ नंद की दुलारे श्री कृष्ण प्यारे ओ नंद की दुलारे संभालो दम तेरे ही सारे संभालो दम तेरे सारे श्री कृष्ण प्यारे हे करुणा के सागर कृष्ण प्यारे हे करुणा के सागर उभरो पकड़ बाहे नल नाग उभरो पकड़ बाहे नल नाग श्री कृष्ण प्यारे हे प्राणो प्यारे कृष्ण प्यारे हे प्राणो प्यारे जिदरी निहारो है विरह के मारे जिदरी निहारो है विरह के मारे श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा बहुत हो चुकी है तो बिगड़ी बना जा बहुत हो चुकी है तो बिगड़ी बना जा श्री कृष्ण प्यारे यशोदा दुलारे श्री कृष्ण प्यारे यशोदा दुलारे हरो नाद अबवीग संगत हमारे हरो नाद अबवीग संगत हमारे श्री कृष्ण प्यारे भोले बाले श्री कृष्ण प्यारे मेरे भोले बाले मेरी जिंदगी अब तो तेरे हवाले मेरी जिंदगी अब तो तेरे हवाले श्री कृष्ण प्यारे हे माखन चुरैया श्री कृष्ण प्यारे हे माखन चुरैया नहीं कोई तुम बिंद धीर दरैया नहीं कोई तुम बिंद धीर दरैया श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा बहुत हो चुकी है तो बिगड़ी बना जा बहुत हो चुकी है तो बिगड़ी बना जा श्री कृष्ण प्यारे ओ बिज की बसैया श्री कृष्ण प्यारे ओ बिज की बसैया
हर पार मजदार मी मेरी नैया, हर पार मजदार मी मेरी नैया। गुरुदेव भगवान की जय। बोलो महेश गिरी महाराज की जय। स्वामी सर्वानंद फकीर थव जन काशिया में को कबीरत। स्वामी सर्वानंद फकीर थव जन काशिया में को कबीर थव। स्वामी सर्वानंद फकीर थव स्वामी सर्वानंद फकीर थव जन काशिया में को कबीर थव जन काशिया में को कबीर थव। स्वामी सर्वानंद फकीर थव स्वामी सर्वानंद फकीर थव। स्वामी ज्ञान गुण जी कानिया मिठी मूरतम रने मानिया। ओ स्वामी ज्ञान गुण जी कानिया मिठी मूरत मधुर सुहानिया। साई मान दे निर्मानिया साई मान हुंदे निर्मानिया साई मान हुंदे निर्मानिया साई मान हुंदे निर्मानिया। मुंज साजन ते संत सुहियत मुंज साजन ते संत सुहियत। स्वामी सर्वानंद फकीर थव स्वामी सर्वानंद फकीर थव जन काशिया में को कबीर थव जन काशिया में को कबीर थव। स्वामी सर्वानंद फकीर थव स्वामी सर्वानंद फकीर थव सर्वानंद परमान निवंदन परम पूज्य बाद आचार्य ब्रह्म निष्ठ सदु श्री देवराम आज के स्थान में बैठे हुए प्रिय भक्त जनो प्रेम सुल सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। स्वामी सर्वानंद फकीर अथव जन काशिय में को कबीर अथव। इंसान की जिंदगी एक पथ की तरह एक मार्ग की तरह एक रास्ते की तरह है, बनानी भी उसे है चलना भी उसे है। जब तक आदमी स्वयं का मार्गदर्शन नहीं करेगा तब तक उसका कोई भी मार्गदर्शन नहीं कर सकता। कोई चलना ही ना चाहे तो कोई कितनी भी जबरदस्ती करे वो चलने के लिए तैयार ही नहीं होगा। आदमी के हाथ में उसकी अपनी जिंदगी अपनी लाइफ होती है, वो जैसे चाहे वो अपनी लाइफ को बना सकता है। बनाने का दायित्व तो उसके ऊपर है, डिपेंड उसके ऊपर करता है वो अपनी लाइफ को अपनी जिंदगी को कहां ले जाता है, किस मकसद की तरफ किस लाइन की तरफ किस उद्देश्य की तरफ किस मकसद की तरफ ले जाना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। क्या करना चाहता क्या नहीं करना चाहता। जैसा आदमी अपने जीवन को ढालेगा वैसा ही बनेगा। अब ढालना कैसे, वैसे जिस प्रकार फ्रिज में अगर बर्फ जमानी हो तो किसी भी बर्तन में
जैसे ही बर्तन में अगर आप पानी डालोगे उस प्रकार उस बर्तन में उस आकार की बर्फ क्या होगी, जम जाएगी ना। जैसा आकार होगा, गिलास का आकार हो या जग का आकार हो या फिर जो भी ट्रे आती है, जिस भी भाग में जैसा भी डालोगे वैसा ही वो आकार में ले ले लेगी। वैसे ही जीवन में अवसर कभी कई अवसर हमारी जिंदगी में आते हैं, परंतु उन अवसरों का हम मौका नहीं उठा पाते। एक देवी की बात है, किसी संत के समागम में किसी लड़की ने किसी संत के पास जाके विनती की, प्रार्थना की जाके, महाराज जी मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पिताजी की तबीयत इतनी खराब है कि वो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सकते, अगर आपका आशीर्वाद अगर उन्हें मिल जाए तो उनका जीवन भी कथात हो जाएगा, उनका जीवन भी भाग्यशाली बन जाएगा, आपकी कृपा हो जाएगी उनके पास कुछ, तो आप अगर अपनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद करें तो मेरे घर चले, मेरे बुजुर्ग पिता वृद्ध पिताजी के ऊपर आशीर्वाद देने की कृपा करने की कोशिश करें। महाराज ने कहा चलो ठीक है, एक दो दिन में हम आपके घर अवश्य पधारेंगे। कुछ दिनों के बाद संत उस बेटी के घर पहुंचते हैं, उस लड़की के घर पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो कमरे में जैसे ही प्रवेश होता है, जैसे ही कमरे में जाना होता है तो उसके विद पिता पलंग पे लेटे हुए थे और सामने इनकी एक खाली कुर्सी पड़ी थी। खाली कुर्सी देखते ही संत के मन से, वाणी से, मुखारविंद से वचन निकले कि आपको मेरे आने का अनुमान शायद पहले लग गया था कि मैं आने वाला हूं, इसलिए मेरे लिए आने के लिए और मेरे बैठने के लिए आपने कुर्सी पहले मंगा के रख दी। नहीं, वेद ने कहा कि नहीं, मुझे आपके आने का अनुमान नहीं था, पता भी नहीं था कि आप आओगे, ये कुर्सी खाली यहीं पड़ी रहती है, इसकी भी कोई वजह है। संत ने तो विस्मित हुआ पहले, जब दूसरी बात की तो वेद ने कहा आप हमारे घर आए हैं, आप पहले दरवाजा बंद कीजिए मेरे रूम का। जैसे दरवाजा बंद करने लगा तो संत के आश्चर्यजनक दृष्टि से, संत आश्चर्यजनक दृष्टि से उस वृद्ध को देखने लगा, अचंभित हो गया एकदम, बोला घर पधारा हूं, कुर्सी खाली पड़ी है, बोले कि कुर्सी रखने लिए आपके लिए तो नहीं है, आप मेरे आके समीप बैठिए। और कहने लगे पहले दरवाजा बंद कर दीजिए। अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, जैसे कहा वैसा किया, दरवाजा उठे, दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद कहा कि मैं नहीं चाहता कि जो राज इस कुर्सी खाली कुर्सी का अपने बेटे को भी नहीं बताया है वो आज आपको बता रहा हूं। मैं कभी डर लगता है कभी मेरी बेटी मुझे देख ना ले, वो आज रात वो राज मैं आपको बता रहा हूं। क्या राज है कि मैं मंदिरों में जाता था, मैं सामने पंडित पुजारी संत लोग कथा वादा करते, आराधना करते, भगवान की आरती स्तुति वंदना करते, परंतु मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। मेरे पल्ले एक बात आती दिमाग से हवा की तरह निकल जाती, जिस प्रकार किसी पेड़ के आगे खड़े हो जाओ हवा आएगी और आपको छू के निकल जाएगी, वैसे ही संतों की बातें, महापुरुषों की बातें या पंडितों के श्लोक विलोक या जो भी होते थे ये मेरे पल्ले नहीं पड़ते थे। एक कहां से सुनता दूसरे कहां से निकाल देता, पता ही नहीं पता क्या बोल रहे, क्या कर रहे, क्या स्तुति कर रहे, क्या मुझे पता नहीं पड़ता था। मैंने संतों के पास मंदिर में जाना छोड़ दिया, जो प्रार्थना करता था घर पे थोड़ी बहुत वो भी करनी, क्योंकि मुझे आनंद ही नहीं आ रहा था उसमें, कोई अनुभूति नहीं हो रही थी, किसी बात की अनुभूति हो, किसी बात का एहसास हो, किसी बात का महसूसपन हो, वो बात हो रही नहीं थी मेरे पास। तो दे दे करने मैंने सब कुछ
छोड़ दिया। कुछ सालों के बाद, 3-4-5 सालों के बाद कोई मेरा मित्र, कोई मेरा दोस्त मुझे मिला। अब बात तो जो बात अनसुलझी रहती है, जो बातें जिनके कोई जवाब नहीं होते, वो कहीं ना कहीं जब दिमाग में गिरा बनाए रखती है, फिर कभी ना कभी उठती रहती है, सवाल उठते रहते हैं मंदिर दिमाग में। कोई बात किसी पूरी ना हो, कोई बात किस में अटकी रहे दिमाग में, तो कभी ना कभी वो बातें, पुरानी यादें फिर ताजा हो जाती हैं। तो वैसे ही उसके बाद में फिर वो बात आई, उसने अपने व्यक्ति से, अपने दोस्त से, अपने मित्र से बात कही कि यार मंदिरों में जाता, प्रार्थना करता, मन नहीं लगता। घर पे भी बात करने लगे, स्तुति करने लगा, मन नहीं लगता था। अब क्या किया जाए, कैसे भगवान से संपर्क किया जाए, कैसे मिला जाए। उसने बोला, सिंपल सी बात है, एक काम करो, चलो मेरे घर चलो। चलो चलो चल चलते घर ले गया। देखा कि पलंग के पास में कुर्सी पड़ी है। जी मैं माँ रोज मानता हूँ कि मेरे सामने मेरे भगवान सामने बैठे हैं और मैं उनसे वार्तालाप कर रहा हूँ, वो भी मुझसे वार्तालाप करे। अपनी सोच को, अपनी एनर्जी को इस तरह लगा दो कि आपको एहसास ऐसा होना लगे कि वो भगवान मेरे सामने बैठा ही है, मेरे सामने, मैं से दूर नहीं, मेरी आंखों के मल के पलकों के आगे गए से दूर नहीं है। अब वृद्ध अपने घर पहुंचा, दोस्त की बात मानी, अब घर जाके पास में कुर्सी रख दी। अब रोज 1-2 घंटा किससे बात करता, कुर्सी से रख दी और कुर्सी से अभ्यास करने लगा। अब धीरे धीरे उसका मन भी उसमें रमने लगा, लगना लगे हाँ अभी भगवान मेरे पास में बैठे हैं, मैं बात से मुझसे बात कर रहे हैं, अनुभूति होने लगी उसको। क्योंकि इसने सारी अपनी सारी की सारी ऊर्जा किसमें लगा दी, अपन ध्यान किसमें केंद्रित कर दिया कि वो व्यक्ति मेरे सामने, मेरा भगवान मेरे सामने बैठा है। इतनी सोच पक्की कर ली और बात पक्की कर मन में बात बैठा ली कि मेरा भगवान मेरे से दूर बैठा नहीं, और रोज बात करने लगे। ऐसे अभ्यास करते करते उसका मन उसमें रम सा गया। संत ने जब बात सुनी तो उसका भी हृदय भर आया कि क्या बात है, कि मैं जैसा अपने आप को ढालना चाहे वैसा ढालना उसने शुरू कर दिया। संत ने उसके मस्तक पे हाथ रखा और चल दिए वापिस अपने आश्रम में, अपने गंतव्य स्थान पे। संतों किसी काम से बाहर जाना पड़ा कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। जैसे बाहर गए, लड़की का फोन आया 2-3 दिन बाद कि उसके पिताजी की, उसके वृद्ध पिताजी की डेथ हो चुकी है, वो गुजर चुके हैं। तो संत ने कहा कि उनको मृत्यु के समय कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई दिक्कत, कोई कोई मुसीबत कैसी, कुछ आभास ही है, कोई ऐसी झलक सी उनके चेहरे पर कोई महसूस तो नहीं हुई। बोला नहीं, पहले से आनंद थे। जब उनकी व्यक्तित्व का, जब उनके डेथ होने वाली थी उससे कुछ टाइम पहले उन्होंने मुझे पास बुलाया, मेरे माथे को चूमा, मुझे प्यार किया, और जैसी मैंने उनकी जैसी झलक मैंने उनके चेहरे पे देखी, जैसी आभा देखी, जैसा उनका मुखमंडल मैंने देखा, वो कुछ अलग ही था। ऐसा कुछ अलग लग रहा था कि कुछ कह ही नहीं सकती मैं उसके बारे में। अच्छा और क्या देखा, बोला ऐसा देखा जैसे खाली कुर्सी पर उनका मस्तक रखा हुआ था। पहले तो जब डेथ हुई, डेथ होने के बाद जब मैं उनकी बॉडी पर देखी, जब देखी जैसे जैसे मैंने बॉडी देखी, पहले तो मुलाकात हुई, मुलाकात करने बाद जैसे मन में काम में लगी, काम का लगने के बाद कुछ देर के बाद फिर जैसे ही पिताजी के पास पहुंची तो पिताजी की बॉडी ऐसे रखी हुई थी कुर्सी के ऊपर, गर्दन उनकी कुर्सी के ऊपर ऐसे रखी हुई थी जैसे किसी की गोदी में सर रखे हुए क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। मुझे ऐसा आभास हुआ कि किसी न किसी की गोदी में उनका सर रखा हुआ है। ऐसी वो आभा में, ऐसी वो आकृति में सोए हुए थे, उसी अंदाज में सोए हुए थे। संत की आंखों में आंसू आ गए, बोला शायद ऐसे भी मेरी भी मृत्यु हो। देखो अब उसकी वृत्ति कैसे बनी कि मैं किसकी गर्दी गोदी में रख के सोया हूँ, भगवान की गोदी में, अपना सर रख के उसकी गोदी में सोया हूँ, ऐसी आभा उसके मन में हुई।
अब अगर ऐसा मन हमारा हो जाए तो फिर तो चारों तरफ वही वही दिखने लगेगा। जिस प्रकार स्वामी महाराज जी को आज गुरुवार दिवस है, जिस स्वामी स्वामी महाराज जी को चारों तरफ स्वामी टर्म मार देते थे, जो भी कोई पूर्ण आती तो सब स्वामी टर्म महाराज के पास जाके रूप रूप जैसे बारात होती है वैसे ही बात होती थी। कई बार उनका जीवन उठा के देखें तो उन्हें कई बार स्वामी स्वामी महाराज जी स्वामी टर्म महाराज के दर्शन भी हुए थे और बात भी होती थी। जिस प्रकार टंडे आदम में जब पहला पहला जन्मोत्सव मनाया गया सब स्वामी टेराम महाराज जी का, तो जन्मोत्सव मनाने के लिए 5 दिन का बड़ा बड़ा भंडार रखा गया। और पहले जब भंडार होते थे गांव में तो गांव के गांव शामिल होते थे। पहले तो पुराने जमाने में 10-15 जन या 20 जन या 100 जनों को निमंत्रण मिलता, पूरे गांव के लोगों को निमंत्रण मिल जाता था कि भंडारा चलो। तो 5 दिन तक अखंड बना चला। जब पहली बार खंडू नगरी में सदा स्वामी सनातन जी महाराज जन्मोत्सव मनाने के लिए पहुंचे थे, स्वामी चंदन देव जी, स्वामी गुरुमुखदास जी, गौलानंद जी महाराज जी और कुछ और संत थे, जब पहली बार जन्मोत्सव मनाने पहुंचे खंडू नगरी में, पहला जन्मोत्सव था, तो 5 दिन तक अखंड भंडार चला। 5 दिन तक अखंड भंडार चला और सारा का सारा भंडार किसमें? उधार में। पैसे थे ही नहीं, थोड़ा बहुत पैसा मिलता जो सत्संग के भजन कीर्तन से जो भी आता थोड़ा बहुत पैसा मिलता। अब उसका कर्जा कैसे चुके? 5-6 हजार का कर्जा चुक लग गया, थोड़ा बहुत चुक गया, जो पैसे आते थे बेटा आती थी थोड़ा बहुत तो चुका दिया। लास्ट दिन था स्वामी चंदन देवी जी महाराज सत्संग सांजी महाराज के पास पहुंचे, बोला महाराज जी आपने तो कहा था कि उधार लेते जाओ उधार लेते जाओ उधार लेते लेते कितना कर्जा आ गया? 5 हजार का। उस जमाने 5 हजार बड़ी बहुत बड़ी बात होती थी। जिस जमाने में 2-3 रुपए में एक बोरी आ जाती थी तो 5 हजार का जब लगा लो कितना बड़ा हिसाब होगा। बोला समय 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 बोले भंडारा किसका? सब समय टेम राम जी महाराज का। जे भरेगा भी कौन? वही भरेंगे। जे भंडारा भी उनका, भरेंगे भी वही। चिंता क्यों करते हो? आज शाम को सत्संग करते हैं, कोई ना कोई गुरु महाराज कृपा होगी, सब ठीक हो जाएगा। शाम को सत्संग का समय हुआ, सत्संग प्रारंभ हुआ, प्रारंभ होने वाला जैसे ही समाप्त हुआ तो कुछ घर में लोग जो माता टेकने जैसे आते हैं, जैसे नियम प्रथा है, कुछ लोग माथा टेकने आ रहे थे, तो एक वृद्ध हाथ में लाठी लिए हुए, गरीब जैसा हाथ में लाठी लिए हुए आ रहे थे, पास में आए और स्वामी सांजी महाराज के जेब में हाथ डाला, हाथ डाल के चल दिए। जैसे चल दिए तो रात के समय स्वामी 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 सांजी महाराज ने स्वामी चंदन देव जी महाराज को बुलाया, बोला महाराज कुछ पैसे आए आज, कुछ आके कर्जा वर्जा चुका गया, बाकी बाकी बाद में जो का देखा जाएगा। जैसे पैसे निकालने लगे तो वो भी कागज का टुकड़ा जो वृद्ध उसकी जेब में, मतलब जो वृद्ध जी समय 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 के जेब में डाल के गए थे, बोला ये कागज टुकड़ा पता नहीं कौन सा वृद्ध आया था, कोई सेठ साहूकार नहीं, कोई जमींदार नहीं, कोई तहसीलदार नहीं, कोई वृद्ध व्यक्ति आया था, मैं जेब में चेक डाल गया। अब जब चेक देखा गया तो 5-6 हजार का चेक, तो उस जमाने का 5-6 हजार का चेक बिल्कुल तैयार था। बोला महाराज समय चंदन महाराज ने देखा कि तो चेक है, बोला महाराज जी तो चेक है, कितने का? 5 हजार का चेक, जितना खर्चा होता हाथों हाथ एक दिन में वापस आ गया। अब कौन आया था इस समय समय समझ गए ये तो मेरे गुरुदेव के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। वो खुद आए थे, कुछ ग्रामीण का बेश धारण करके, गांव वाले का बेश धारण करके आए और मेरे जेब में वो कागज का लिफाफा डाल के चले गए। अब जैसी वृत्ति जैसी मनोदशा हमारी होगी वैसे ही आचरण बनेगा। इसलिए अपने मन को जितना भगवान परमात्मा में जितनी सेवा पूजा पाठ में लगाएंगे उतना धीरे धीरे मन उसमें नमने लगेगा, और जैसे जैसे मन नमने लगेगा
वैसे वैसे आदत पड़ने लग जाएगी, और जैसे जैसे आदत पड़ेगी वैसा वैसा आचरण बन जाएगा, और आचरण जैसा बनेगा वैसा यश और यापेश फिर हमारे हाथ में होगा। तो अपने विचारों को अपने मन को जिस तरफ लगाने की कोशिश करेंगे वैसा ही हमारा उद्धार अवश्य होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की। बोल गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सतनाम साक्षी गुरु प्रार्थनाष्टक। परम पावन गुरु तेरी हूँ दावन, गुरु आवन रावन गुरु मेरा ही मिटाई। हमें अजान गुरु आप सिदान, गुरु आत्म का ज्ञान गुरु सुनाई। तरन तारन गुरु करण कारण, गुरु विघ्न तारण गुरु गरी बनाई। सत गुरु राखो मेरी पत गुरु, चिखर मत गुरु चरण लगाइए। परम दयाल गुरु परम कृपाल गुरु, परम उजाल गुरु ज्योति को जगाइए। सुंदर सुचाल गुरु नित्य ही रहाल गुरु, हमें अकाल गुरु हमें से बचाइए। गोविंद गोपाल गुरु प्रभु प्रतिपाल गुरु, राम रखपाल गुरु धन्य चुराइए। करो सत गुरु राखो मेरी मत गुरु, जी कर मत गुरु चरण लगाइए। परम उदारी गुरु परम भंडारी गुरु, परम आधारी गुरु नाम को जपाइए। पर दुखारी गुरु पर सुखकारी गुरु, पर उपकारी गुरु हरि से मिलाइए। मित्र अवतारी गुरु शुभ गुणकारी गुरु, कर रथ वाली गुरु ताप को जलाइए। कहते हो सत गुरु राखो मेरी पत गुरु, जी कर मत गुरु चरण लगाइए। शान के शाह गुरु सच्चा पातशाह गुरु, दिल पर गुरु पति हटाइए। देवान गुरु वीरान रा गुरु, था गुरु बताइए। दया के दरिया गुरु दोषन के दा गुरु, भरोष गुना गुरु बोलाइए। सत गुरु राखो मेरी पत गुरु, जी कर मत गुरु चरण लगाइए। राजन के राज गुरु संत सुर ताज गुरु, महाराज गुरु भोले अपनाइए। गरीब वाज गुरु राख मेरी लाज गुरु, पूरे कर काज गुरु अज्ञान उड़ाइए। हर जल पाज गुरु सुखन समाज गुरु, तारक जहाज गुरु भव से तराइए। सत गुरु राखो मेरी पत गुरु, जी कर मत गुरु चरण लगाइए। ब्रह्म के स्वरूप गुरु आत्म अनूप गुरु, अमर रूप गुरु पुण्य गलाइए। अगम अगाध गुरु अमर अबाध गुरु, अचल अनाज गुरु अमृत बनाइए।
रे अगुरु अलख अभे अगुरु अटल अखिल गुरु सर्व रख त्यों सतगुरु रख मेरी पत गुरु चरण पूरण सुजानी गुरु पूरण सुजानी गुरु पूरण सुजानी गुरु प्रेम कपिलाई शरण बालक गुरु संकट बालक गुरु मेरे मालिक गुरु तरस दिखाइए करुणा निदान गुरु सर मेलवान गुरु करे कल्याण गुरु सुमति सिखाइए रत गुरु राखो मेरी पत गुरु जी घर मत गुरु चरण बवाइएट गुरु गाढ़ धर्म कोट गुरु मेटर में चोट गुरु धर्म पलाइए वीरन के वीर गुरु वीरन के वीर गुरु पीरन के पीर गुरु शक्ति में समाइए गुरुदन गण गुरु मैं तेरा जन गुरु भाई मेरा मन गुरु कृष्ण बनाइए सतगुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण भवानी ओडन ओट गुरु काटो कर्म कोट गुरु भेटो जन चोट गुरु पवन बनाइए वीरन के वीर गुरु वीरन के वीर गुरु वीरन के वीर गुरु शांति सुमदन धन गुरु मैं मेरा जन गुरु मारे मेरा मन गुरु कृष्ण बलाइए भाई तुम गुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण भाई भाई तुम गुरु राखो मेरी पत गुरु जी कर मत गुरु चरण भाई गुरुदेव भगवान की है। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो अटूट संकट कटे देत परम गत सोए संकट कटे देत परम गति सोए आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब पाओ मजी ये वचन मन नाई बारे पाई सुखवारा उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख ये सार है भाग पर कचुनाई राखो ये प्रभुं कपकार है समय का अति कर करना खोइए न कुसंग में जो रजीव वार से सो सफल कर सत्संग में अरे तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे देखो अब गुण आप राजो बहुत है तुम भी बरे जीवों से करो तनिंद किसकी ना करो मेरा चाहो किसी का नाम शुभ जीवग सुखो ना दुखाओ दया सब पर कीजिए पद जान सब देश को हर लीजिए समय जो ही गुजर जावे याद ना तुम ताहि कर भारी भारी रात की वे चिंतावरुणाही कर रोगनावे ईश्वर तुम ताहि पर राजी रहो जामनी साहबली सब यो सदा मुख से गो अपने स्वार्थ लिए तुम झूठना कब बोलना भजन साचा मजर हो जब तब मुख को खोलना
शरण तेरी आय जोई ताए दे सन्मान जी यद बिहारी हो ये तोरी भाकर अपना और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना कमी करो कमी करो तुम को धर्म अपने नाहे हर दम प्यार कर नटना नहीं जारी जाने दे पर धर्म से हटना नहीं मौत अपना याद कर लेती है बुलाओ ना कभी ध्यान मन में मरण का दिन निकटिया धर्मशाला जान जग को जीव सब मैं मान है सुना करो सब स्वप्न सब समान वेद गुरु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी अपनी सुनवादान मन में धर्म कर सब आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप दर ध्यान को जगत बंधन को चुरो पाया तन ज्ञान को ये शिक्षा याद कर वन में पुन विचार ये शिक्षा याद कर मन में पुन विचार कटूं करनी करे भवन धूतरो पार कटूं करनी करे भवन धूतरो पार बोल गुरुदेव भगवान की जय सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है जिसको गुरु कृपा का कण मिल जाता है उसकी समस्त क्रियाएं बदल जाती है जिसको गुरु कृपा का कण मिल जाता है उसकी समस्त क्रियाएं बदल जाती हैं बोलो गुरुदेव भगवान की जो जन गुरु शरण में बैठ करे दास की पूरण करिए आस दुख दर्द सब दूर हो लगे नयम की त्रास संशय कोई ना रहे सब कार्य अनरास संशय कोई ना रहे बोलो गुरुदेव भगवान की जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन
सीताराम रघुपत राघव राजा राम पावन सीताराम जय अभिनंदन जय गण श्याम श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम जय गण श्याम श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम अंतर्यामी तेरा नाम रव दोषीरे सुखदा अंतर्यामी तेरा नाम सब को सुनते सुखदापुर के सुंदर श्याम रथ गुरु स्वामी देवरापुर के सुंदर श्याम मेरे सतगुरु स्वामी तेरा ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे सतनाम साखी सर्वदार जो सुतरे पार सतनाम साखी सर्वदार जो पुत्र साखिशो हम सदचित आनंद विष्णु स्वयं प्रकाशी विष्णु हम चिद आकाशी विष्णु हम धर्मन वासी हम घट घट वासी विष्णु हम देव प्रकाशी विष्णु हम रात विष्णु हम गैदा देव विष्णु हम गैदा स्वामी विष्णु शिव हम विष्णु हम शिव हम विष्णु हम शिव हम साधिष्णु हम साधिष्णु हम साखिष्णु हम साखिष्णु हम साधिष्णु हम साखिष्णु 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 हम शांति 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 बोलो सनातन धर्म की जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शंकर भगवान की जय सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय सर्वानंद महाराज की जय सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय सद्गुरु हरदास राम महाराज की जय गुरुदेव भगवान की जय प्रकाश मंडल की जय रापुर दरबार की जय मैया की जय भारत मंडल की जय धर्म की जय अधर्म का शो प्राणियों में विश्व का प्रेम का शो हर हर गंगे हर हर महादेव लाल सभी चौ झूले लाल